फूलों के बेहतर उत्पादन के लिए इसकी खेती पर शुरू से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे गेंदे की खेती में हमेशा कटिंग द्वारा तैयार की गई पौधों को इस्तेमाल करना चाहिए, इसी तरह ग्लैडुलस में क्रोम्स का चुनाव ऐसा करें जिनका वजन 20 से 30 ग्राम हो तथा उसका आकार नुकीला हो। इसके अलावा गेंदे की कटिंग तथा ग्लैडुलस का क्रोम लगाने से पहले उसका उपचार अवश्य करें, तभी आप इन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं। गुलाब की खेती की तो इसमें जब कभी भी हम पौध ले रहे हैं तो वो हमेशा हमें बडेट पौधा हमको चुनना चाहिए। और जो बडेट पौधा होता है इसमें जो हम संख्या लेते हैं वो लगभग 8 से 10 पौधा प्रति स्क्वायर मीटर की दर से हमको इसकी प्लांटिंग डेंसिटी रखनी चाहिए। इसी प्रकार से जब हम जरबेरा की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा 6 से 7 पौधा प्रति स्क्वायर मीटर की दर से हमको इसकी डेंसिटी रखनी चाहिए। ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम संरक्षित संरचना के अंतर्गत खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय हमको सॉयल सोलराइजेशन और सॉयल स्टरलाइजेशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉलीहाउस के और संरक्षित संरचना के अंतर्गत रोग एवं कीटों का प्रकोप अगर एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सॉयल स्टेरिलाइजेशन के लिए आप हाइड्रोजन परॉक्साइड जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से भी आप मृदा को उपचारित कर सकते हैं। किसान भाई, फूलों को बाजार तक पहुंचाने से पहले उसकी तुड़ाई ऐसे समय पर करें जिससे वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके। किसान चाहें तो इसका मूल्य संवर्धन करके भी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की माला बनाई जा सकती है जिसकी कीमत बाजार में अच्छी मिलती है। इसके अलावा गुलाब फूल से तेल, गुलाब जल, गुलकंद आदि भी बनाए जा सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की तो हमें ये पहले ध्यान देना चाहिए कि जब हम मार्केटिंग में तुड़ाई की बात आती है, तुड़ाई उस समय करें जिससे अधिक से अधिक समय तक उसको पहले रखा जा सके। तो इसमें जैसे कि हम तुड़ाई जब कर रहे हैं तो हम ऐसे समय पर करें जैसे सुबह के समय जब तापमान कम होता है, मौसम ठंडा रहता है, उसी समय तुड़ाई करें। और जैसे जो हमारा डच गुलाब है, जरबेरा है या ग्लेडियोलस है, इन तीनों की जो हम खेती करते हैं ये कट फ्लावर के रूप में करते हैं, यानी इसमें फूल के साथ एक निश्चित लंबाई की डंडी भी लगी रहती है। जबकि जब गेंदा की खेती होती है वो लूज फ्लावर के लिए जो कि माला बना के बिकती है। इन सभी को हम जब तुड़ाई का समय जो है वो ठंडे समय पर करें। जो भी हमारे कट फ्लावर हैं उसको सीधा एक बाल्टी में पानी ले कर रखें और उसके बाद जल्दी जल्दी मार्केट भेजने का प्रयास करें। यदि हमारा इसको जो है मार्केट भेजने में देरी होती है, अगर ग्लेडियोलस की बात करें तो उसको आप पानी में रखें और अगले दिन थोड़ा सा नीचे से काट के पानी चेंज कर दें। जब गुलाब की बात होती है तो गुलाब में भी आपको टाइट बड स्टेज पे उसको तोड़ना है और उसको अगर आपको देरी हो रही है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में उसको रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं उसके मूल्य संवर्धन की, तो जैसा कि हम गेंदा है तो गेंदा का हम माला बना के उसको बाज़ार में बेचें। गुलाब की अगर हम बात करते हैं तो गुलाब में गुलाब का तेल बना सकते हैं, उससे गुलाब जल निकाल सकते हैं और गुलकंद बना सकते हैं। इस गुलकंद के लिए हमको देसी गुलाब की खेती करनी होगी। अगर हमको गुलाब जल और गुलाब का तेल निकालना है तो उसके लिए जो रानी साहिबा या नूर जहाँ प्रजाति है जो कि डोमेस्टिक रोज़ की प्रजाति होती है उसका चयन किसान भाई कर सकते हैं और उससे इस प्रकार के उत्पाद बनाकर अधिक मूल्य पर उनको बेचकर और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से आप वैज्ञानिकों की राय पर चलें तो फूलों की खेती के साथ उसका मूल्य संवर्धन करके उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।